चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक घटना चक्र, जो बारसेकांग की दृष्टि निकालता है ना, उसी को हम लोग देख रहे हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपीपीसीएस के लिए तो मेनता ये बुक्स लिखी ही जाती है, और भी यूपी के जो भी एग्जाम होते हैं, लेकिन इसमें जो करेंट अफेयर्स रहता है वो स्टेट पीसीएस, तो चाहे एमपीपीएससी हो, बिहार पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जहाँ करेंट अफेयर्स का महत्व रहता है, उन सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर चुके हैं, आपका राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा खत्म कर चुके हैं, उसके बाद आपका विदेश परिदृश्य खत्म कर चुके हैं, फिर आपका अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब बात करनी है हमें आर्थिक परिदृश्य की, और याद रखिए जितनी भी आपकी क्लासें खत्म होती जा रही हैं वो सभी समसामयिक घटनाचक्र वार्षिकांक के नाम से, जो आपकी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसी में डली हुई क्रम क्रम से, लास्ट में क्या करेंगे, ये पूरी क्लासों को मर्ज करके एक पूरी क्लास बना देंगे, तो जब तक आप लोग उन्हें देखते रहे। ठीक है, इसे आर्थिक परिदृश्य को हम लोग क्या करेंगे कि तीन भागों में बांट लेते हैं, राजकोषीय घटनाक्रम को हम लोग तीन भागों में, एक में हम केंद्रीय बजट देख लेंगे 2020-21। देखिए, केंद्रीय बजट का मतलब रहता है कि आने वाले समय के लिए खर्च, आप भी तो अपने परिवार का, जब भी आप किसी नौकरी कर रहे हैं कहीं, तो आप भी तो कहते हैं कि इस साल का इतना या महीने में वेतन आ गया है, तो आप कह देते हैं इस महीने में इतना खर्च करना है, इतने में काम चलाना है, तो एक तरह से आने वाले समय के लिए बजट होता है। ठीक है, अगर आपसे कहें कि आर्थिक समीक्षा, तो आप आर्थिक में आर्थिक समीक्षा करते हैं ना महीने के अंत में या साल के अंत में कर लेते हैं कि इस साल आपने कितना पैसा खर्च किया है, तो वो पिछले साल का होता है, जैसे केंद्रीय बजट होगा 2020-21 के लिए, और जो आपकी आर्थिक समीक्षा होगी वो 19-20 की होगी, कब की, 19-20 की। तो एक क्लास में हम लोग 19-20 की जो आर्थिक समीक्षा है उसे देख लेंगे, और एक क्लास में आपका सेपरेट उत्तर प्रदेश बजट और सभी आर्थिक सर्वेक्षण जो भी है उसे देख लेंगे। ठीक है, तीन क्लासों में हम लोग इसे कवर कर लेंगे, क्योंकि आपका इसलिए बोल रहा हूँ कि केंद्रीय बजट जरूरी है, हर परीक्षाओं में इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राजकोषीय जो भी आर्थिक समीक्षा है इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग उत्तर प्रदेश के नहीं होंगे, तो आपको उत्तर प्रदेश से कोई मतलब भी नहीं होगा जाना, तो इसलिए आप लोग अलग से पढ़ते रहे। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं केंद्रीय बजट को देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21, वैसे आपका जब इकोनॉमी पढ़ी थी हम लोगों ने, और वैसे भी एनसीईआरटी पढ़ी है आपकी, तो उसमें बता दिया था सब कुछ, आर्थिक बजट क्या होता है, केंद्रीय बजट क्या होता है, इसका आप देखेंगे संविधान में क्या उल्लेख है। तो याद रखिए, बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेता है, वित्तीय विवरण आपका बजट में शब्द यूज किया, उसमें संविधान में यूज किया गया है। ठीक है, वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कुल 30.42 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। टोटल कितना, 30.42 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, अर्थात वर्ष 2020-21 में कुल 30.32 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति और उतनी ही राशि के व्यय का अनुमान है, यानी कि हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमारे नंबर इतने आ जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये अलग बात है। ठीक है, कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 66.43% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 33.57% पूंजीगत प्राप्तियों का है। राजस्व प्राप्ति आप देख रहे हैं कितना, 66.43%, और इसमें पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें 33.57%। अब आप कहेंगे राजस्व प्राप्तियां को क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, इसके लिए एनसीईआरटी वाली क्लास आप लोग देखें, और या फिर आप लोग इकोनॉमी की बुक्स कवर की हुई थी किरण सामान्य ज्ञान की, उसमें बताया है। देखिए, यहाँ इतना समय नहीं है मुझे लगता है कि पूंजीगत प्राप्तियां बताया जाए, राजस्व प्राप्तियां बताया जाए, और अगर लगता है मुझे कि इतना अगर आपको मालूम नहीं है तो आपकी स्थिति मुझे लगता है कि खराब है, क्योंकि ये वो टर्म है, यानी कि वो सरल शब्द हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। सीधा सा याद रखिए कि राजस्व प्राप्तियां अगर अधिक होती हैं तो हमारे देश के लिए एक तरह से अच्छी बात है, और पूंजीगत प्राप्तियां अगर बढ़ती हैं तो एक तरह से नुकसानदायक है। इस तरह कुल व्यय में 86.45% राजस्व खाते पर,
जबकि मात्र 13.55% पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। लेकिन देखिए सरकार ने ये कहा है, लेकिन आपने देखा है कि अभी पूंजीकरण, आपने देखा है कि निजीकरण किया जा रहा है बैंकों का, बैंकों का देख लीजिए, फिर चाहे रेलवे का देख लीजिए, फिर कई क्षेत्रों का। तो इससे क्या होगा, पूंजीगत प्राप्तियां प्राप्त हो रही हैं, राजस्व की तो कमी होगी ना। 2020-21 हेतु प्रस्तुत बजट में 6.09 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2020-21 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% है, 2.7% है। और एक बात और याद रखिए आप लोग, कि कोरोना महामारी ने पूरी व्यवस्था पलट दी है। आपने अर्थव्यवस्था देख ली है कि इतनी बुरी तरह से चरमरा चुकी है, तो आने वाले समय में मालूम चलेगा कि क्या इसका, लेकिन ये बजट है इसलिए क्वेश्चंस आते हैं। 2020-21 के बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है। याद रखिए राजस्व घाटा की बात कर रहा हूं, जो पूर्व वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 95,000 करोड़ रुपए अधिक है। 2020-21 के बजट में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए यानी कि 7.96 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। क्या है राजकोषीय घाटा है, ये राजस्व घाटा था, ठीक है, राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो इस वर्ष की अनुमानित जीडीपी का 3.5% है। राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया जा रहा है, 3.5% जीडीपी का। 2020-21 के हेतु अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा विगत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 29.5 हजार करोड़ रुपए अधिक है। 2020-21 में करों से कुल 24.23 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। इसमें से लगभग आप देखेंगे 54.44% प्रत्यक्ष करों से, और जबकि शेष 45.56% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने का अनुमान है, ठीक है। यदि सकल घरेलू को करों को देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2020-21 के लिए 10.77% रहेगा, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानित 10.58% से अधिक होगा। इस तरह वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5.9%, जबकि अप्रत्यक्ष कर जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। जहां तक करों के योगदान का प्रश्न है, तो कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि 6.91 लाख करोड़ का है, यानी कि जीएसटी। इसके बाद निगम कर 6.81 लाख करोड़ रुपए व आयकर 6.38 करोड़ रुपए शेष हिस्सेदारी रखते हैं। 2020-21 के लिए नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी। कोई भी व्यक्ति जिसे आयकर कानून के अंतर्गत इस समय अधिक कटौतियों और छूट मिल रही है, वह इनका लाभ उठाने के लिए पुरानी व्यवस्था के अनुसार कर भुगतान जारी रख सकता है। अब देखिए, यह व्यय और यह प्राप्ति, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका साल में इतना व्यय होता है और ये प्राप्ति होती है, ठीक है। आप सीधा सा बजट को कभी आपको समझना है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक समीक्षा को समझना है, इस तरह के शब्दों को समझना है, तो उसकी जगह अपने आप को रख लिया करिएगा, अपने परिवार को रख लिया करिएगा। इससे क्या होता है, आप अपने परिवार का भी तो बजट हो सकता है। तो बजट 2020-21 ये व्यय हो गए मतलब खर्च हो गया, और बजट 2020-21 के प्राप्तियां हो गई। तो इसमें आप देखेंगे, पहले हम लोग व्यय बात कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे ब्याज अदायगी 18%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20%, सबसे ज्यादा आपका राज्यों का हिस्सा करों और शुल्कों में 20% है। उसके बाद आप देखेंगे ब्याज अदायगी दूसरे नंबर पर 18, फिर आप देखेंगे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 13%, बड़ी बात है, तीसरे नंबर पर। खर्च कहाँ किया जाएगा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर। फिर आप देखेंगे वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10%, फिर आप देखेंगे अन्य व्यय 10%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाएं होती है 9%, रक्षा क्षेत्र में 8%, सब्सिडियां यानी कि सब्सिडी मिलती है ना 6%, पेंशन 6%। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, क्या पूछ लेगा कि रक्षा क्षेत्र पर कितना प्रतिशत इस बार व्यय करने का अनुमान रखा गया है, तो याद रखिए 8% कि 8% खर्च किया जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछिए सब्सिडियों में, तो 6% और पेंशन 6%, और इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बात करें 9%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की 13%।
देखिए इसमें बढ़ते घटते रहते हैं। सब्सिडी की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि सरकार हटाने के चक्कर में भी ऐसे समझ रहे हैं। अभी जो एमएसपी एक तरह से इसी तरह का मुद्दा है। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों की बात करें तो यहाँ 6% आपको ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, उधार और अन्य देताएं 20%, निगम कर 18%, आयकर 17%, सीमा शुल्क 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, वस्तु एवं सेवा कर ये आपको 18%, कर भिन्न राजस्व 10%। तो उधार और अन्य देताएं इसमें 20% सबसे ज्यादा है। फिर निगम कर देख लीजिए, वस्तु एवं सेवा कर देख लीजिए, बाकी आयकर 17, ठीक है। कुल व्यय में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है। कुल प्राप्तियों से करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है। आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है, ठीक है, इन्हें भी याद रख सकते हैं। बजटीय विवरण 2020-21 की बात करें अगर हम लोग, कुल प्राप्तियां कितनी, 30,42,230 करोड़ रुपये। कितना, 30,42,300, माफ करिए 230, ठीक है, 30,42,230। कुल व्यय 30,42,230 करोड़ रुपये। यानी कि इन्होंने अभी तो अनुमान लगाया है, व्यय ज्यादा भी हो सकता है, प्राप्तियां कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर बार यही देखा गया है कि खर्च से सबसे खर्च मतलब जितना होता है उससे प्राप्तियां कम ही होती हैं, ठीक है, इसलिए तो घाटा रहता है। तो अभी तो अनुमान लगाना, अनुमान तो आप भी लगा लेते हैं कि 10,000 में महीने खत्म, 10,000 रुपये में हमारा महीना निपट जाएगा, खर्च चल जाएगा, लेकिन आप देखते हैं कि ज्यादा हो जाता है खर्च या फिर कम हो जाता है। तो आने वाला वक्त ही बताता है ना, तो ये तो आने वाले वक्त में मालूम चलेगा, जो भी आर्थिक समीक्षा आएगी अगले साल उसमें मालूम चलेगा। इसमें अगर हम राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 66.43% आपकी राजस्व प्राप्तियां हैं, और अगर राजस्व प्राप्तियों में बात करें तो कर राजस्व आपका 80.95%। कितना, 80.95%। कर भिन्न राजस्व की बात करें तो 19.05%। वहीं अगर हम लोग पूंजी प्राप्तियों की बात करें तो 33.57%। इसमें उधार एवं अन्य देताएं आपकी 77.97%। अन्य प्राप्तियों की बात करें तो 20.56%। ऋणों की वसूली की बात करें तो 1.47% है, ठीक है। वहीं अगर हम खर्च की बात करें तो राजस्व खाते पर व्यय आपका 86.45%, पूंजी खाते पर व्यय 13.55%, ठीक है। ब्याज की भुगतान की बात करें तो 26.93%। पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान की बात करें तो 7.85% और अन्य 65.22%, ठीक है। नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में निम्नलिखित कर ढांचे का प्रस्ताव रखा गया है। कहने का मतलब है कि अगर आप आयकर के दायरे में आते हैं आपको कितना देना पड़ेगा, कितने प्रतिशत, ठीक है। तो यही है नई व्यवस्था, क्या है इसमें, कर योग्य आय का स्लैब रुपये में, ठीक है। आयकर की वर्तमान दरें और नई कर दरें क्या है इन्हें भी देख लीजिए। अगर आपकी 0 से 2 लाख, 2-2.5 लाख तक, यानी कि आप साल में 2.5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई कर नहीं देना होगा, छूट मिली हुई है, ठीक है। आप देखेंगे अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख कमाते हैं तो 5% आपको कितना, 5% कर देना होगा, नई कर दरें भी यही है। अगर आप 5 से 7.5 लाख तक कमाते हैं तो पिछली बार 20% देना पड़ता था इस पर, लेकिन इस बार 10% देना पड़ेगा, यानी कि आपको सहूलियत हुई है। अगर आपकी आय 10 लाख तक है, 7.5 से 10 लाख तक, तो इस पर 20% पिछली बार देते थे, लेकिन इस बार 15%, यानी कि काफी आपको सहूलियत हुई सरकार ने दी है। 10 लाख से 12,50,000 तक आपको पिछली बार 30% देना पड़ता था, लेकिन इस बार 20% देना होगा। 12.5 से 15 लाख के बीच आपको 30% देना पड़ता था, लेकिन इस बार आपको 25% देना पड़ेगा। 15 लाख से ऊपर की बात करें तो 30% पिछली बार था और 30% इस बार ही, ठीक है। तो ये नई करें हैं, पूछ लेता है कई बार आपका, ठीक है। बजट 2020-21 में कुल 2,62,108.76 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रस्तावित है, यानी कि आप देखते हैं ना सिलेंडर पर सब्सिडी मिल गई, कई क्षेत्रों में आपको सब्सिडी मिलती है, जो सकल व्यय का लगभग 8.5
ब्यास 8.62% है। यह वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 0.55% कम है। मैंने बताया ना कि आपको कि सरकार क्या चाह रही है कि सब्सिडी को कम ही किया जाए, खत्म ही किया जाए एक तरह से। ठीक है, भारत में कुल सब्सिडी का लगभग 44.1% अकेले खाद्य मद में व्यय होता है, खाद्य इस तरह की सिस्टम पर। मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद यूरिया सब्सिडी 18.24%। आप जानते हैं यूरिया जो खेतों में किसान यूज करते हैं। एलपीजी सब्सिडी में 14.21%। आप जानते हैं सिलेंडर की बात करूं। पोषक आधारित सब्सिडी की बात करें तो 18.97%। वो किसानों के लघु अवधि ऋणों के ब्याज दर की दी जाने वाली सब्सिडी की बात करें तो 8.08%। अधिकतम हिस्सेदारी वाली मदें हैं, इन्हें एक तरह से ध्यान रख सकते हैं। सकल बजटीय व्यय अनुमान 2020-21 में ब्याज अदायगी का हिस्सा 18% है। कितना? 18%। यह पिछले वर्ष 2019-20 और 18-19 में भी सकल व्यय का 18% ही अनुमानित था। 2020-21 में करों शुल्कों में से राज्यों के हिस्से का 20% के बाद सकल व्यय में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान की अनुमानित है। यानी कि सबसे ज्यादा व्यय की बात करें तो आप देखेंगे राज्यों का हिस्सा है और दूसरे नंबर पर आपका ब्याज की भुगतान है 18%। 2019-20 एवं 2018-19 में भी ब्याज भुगतान दूसरे सर्वाधिक बड़ा व्यय था। तो आपसे पूछे पहले नंबर पर कौन है, तो राज्यों का हिस्सा, ठीक है, करों और शुल्कों में, और दूसरे नंबर पर आपका ब्याज भुगतान। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ खर्च किया जाएगा। ब्याज भुगतान की विशालता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में से जीडीपी का लगभग 3.15% अनुमानित किया गया था और बजट 2020-21 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, आने वाले समय में फिर मदों पर व्यय की बात करेंगे हम लोग तो करोड़ रुपए में। ठीक है, एक करोड़ रुपए में, याद रखिए। ब्याज की बात करें, ये संशोधित अनुमान है और बजट अनुमान है, ये 2019-20 के हैं, 2021-21 के हैं। ठीक है, तो इसमें संशोधित अनुमान है आपके, पहले आप देखिए कि पहले अनुमान लगाया जाता है फिर संशोधन किया जाता है। तो 2019-20 का जो बजट रहा होगा उसमें अनुमान पहले लगाया गया होगा लेकिन फिर संशोधित करके उन्हें किया गया होगा। तो ब्याज पर 62,000, माफ करिए, 6,25,105 है, 6,25,105 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो इसमें 7,08,203 रुपए है, करोड़ रुपए में। ठीक है, रक्षा की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 3,16,296 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर अभी की बात करें बजट की, इसमें व्यय कितना अनुमान लगाया गया, 3,23,053 करोड़ रुपए। ठीक है, कुल सब्सिडी जिसमें आप देखेंगे एक कुल हो गई आपकी कितना, 2,63,557.33, ये संशोधित अनुमान है 2019-20 का। और अभी बजट की बात करें तो ये है 2,62,108.76 करोड़ रुपये। इसमें आप खाद्य सब्सिडी का हिस्सा देख सकते हैं 1,08,688 करोड़ रुपये और अभी अनुमान, अभी जो बजट हुआ है पेश, इसमें बात करें तो 1,15,570 करोड़ रुपये। उर्वरक सब्सिडी की बात करें तो पिछली बार 79,998 करोड़ रुपये और इस बार 71,309 करोड़ रुपये। ठीक है, पेट्रोलियम सब्सिडी की बात करें तो 38,569 करोड़ रुपये और इस बार बजट की बात करें तो आपके 40,915 करोड़ रुपये। ब्याज सब्सिडी की बात करें तो 25,946 करोड़ रुपये और अभी बजट की बात करें तो 28,179 करोड़ रुपये। अन्य सब्सिडी की बात करें तो 10,356 और इस बार इसमें कम रखा गया है, कितना, 6,163, 6,136, माफ करिएगा। पेंशन की बात करें अगर हम लोग तो इसमें खर्च की बात, पिछली बार जो अनुमानित थी संशोधन किया गया था, 2019-20 की बात कर रहा हूं, तो इसमें देखेंगे 1,84,147 करोड़ रुपये और इस बार की बात करें तो 2,10,682 करोड़ रुपये। राज्यों का अंतरण, राज्यों के हिस्से की बात करें तो 1,55,447 करोड़ रुपये, इस बार 2,4,05
47 करोड़ रुपए, परिवहन की बात करें तो 1,58,207 करोड़ रुपए, और इसमें देखेंगे आप लोग 1,69,637 करोड़ रुपए इस बार की बात करें। ठीक है, कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र की बात करें तो 1,20,835 करोड़ रुपए, और इस बार की बात अगर हम करें तो 1,54,775 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास की बात करें तो 1,43,409 करोड़ रुपए, और इस बार की बात अगर हम करें तो 1,44,817 करोड़ रुपए। शिक्षा की बात करें जो सबसे जरूरी है तो इस बार इसमें पिछली बार कितना था 2019-20 में अनुमान संशोधित अनुमान इसमें 9,94,885 करोड़ रुपए, इस बार आपका 99,312 करोड़ रुपए यानी कि बड़ा है। स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें 63,830 और इस बार का 67,484। सामाजिक कल्याण की बात करें तो 48,210 और इस बार अनुमान कितना है जीडीपी में यानी कि 2020-21 की जो बजट है इसमें 53,876 करोड़ रुपए। इन्हें पढ़ लीजिए, देखिए याद रख पाना मुश्किल है मुझे लगता है सबको, तो क्या करिए एक थोड़ा अंदाज लगा लीजिए। और शिक्षा क्षेत्र हो गए, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गए, सामाजिक कल्याण हो गया, पेंशन हो गया, परिवहन हो गया, कृषि और समृद्ध क्षेत्र जो भी चर्चा में रहे आपके पेपर के आसपास उस साल में, तो आप उन पर थोड़ा जोर जरूर दे लिया करिए क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछ लेता है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है। वर्ष 2020-21 हेतु बजट प्रस्तुत बजट का उद्देश्य वित्तीय राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, आपदा लोच के माध्यम से जोखिम को कम करना है, पेंशन व बीमा प्रवेश के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना है। बजट के तीन प्रमुख घटक विषय जिन्हें ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है कौन कौन से हैं। आकांक्षी भारत जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों ताकि उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके, सभी के लिए आर्थिक विकास तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और जिम्मेदार समाज ऐसा समाज जो मानवीय तथा साहदय हो और आस्था का आधार अंत्योदय हो। तो ये तीन मैन स्तंभ है, तो आप लोगों चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी जो समसामयिकी गणना चक वार्षिक अंक है ई दृष्टि निकालता है ना, तो आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, बिहारपीसीएस या फिर आईएएस हो या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर्स के लिए ये बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, तो इसमें आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिदृश्य हम लोग खत्म कर चुके, उसके बाद विधिक परिदृश्य भी खत्म हो गया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी खत्म हो चुका है, आर्थिक परिदृश्य में हम लोग केंद्रीय बजट देख चुके थे, आज बात करेंगे हम लोग आर्थिक समीक्षा के बारे में। इसमें एक बात याद रखिए हमेशा, अगर आपको पता लगाना है कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है किसी परीक्षा में, तो उसके लिए 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो कहा जाता है, आपको सलाह दी जाती है, और कभी भी आप देखते होंगे कह दिया जाता है कि 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए, उन्हें लगाइए। क्या है कि उससे अंदाज लग जाता है हमें कि करंट से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे गए। और वैसे भी आपका जो बजट होता है इसे तो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना कर रहे हैं, आर्थिक समीक्षा भी ऐसा ही है कि जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब भी आपको देखना चाहिए देश दुनिया में देश में क्या चल रहा है, कौन सी सरकार कितना कर रही है। तो फिलहाल आपके जो भी क्लासें खत्म होती जा रही हैं वो समसामयिक की घटना चक वार्षिकांक के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनाई हुई है उसी में डले हुए हैं। चलिए आर्थिक समीक्षा हम लोग देख लेते हैं। याद रखिए जो बजट होता है आने वाले समय के लिए होता है, जैसे 2020-21 के लिए आपका बजट आया हुआ है, लेकिन आर्थिक समीक्षा हमेशा पिछले साल की जाती है। अब अगले साल की तो आप लोग समीक्षा करने बैठ नहीं जाएंगे आर्थिक कि क्या रहेगा इसमें, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है। तो 19-20 की है वित्तीय वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत किया है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी समीक्षा 2 खंडों में प्रकाशित हुई है, और आप लोगों ने डाउनलोड भी किया होगा तब भी आपको 2 ही इसमें खंड दिखाई दिए होंगे। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री जो निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2019-20 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं।
विश्व बैंक के अनुसार गठित कई नई कंपनियों की संख्या के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। ये भी आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा डायरेक्ट कि अभी जो बैंक विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार भारत नई कंपनियों के गठन में किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। एक बात और आपको यहाँ बता दूं कि आप देखेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण संगठन है, तो राष्ट्रीय संगठन हो गए फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, इनके बारे में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं, ठीक है। और भी अगर कोई छूटा हो तो भी बताइएगा, उसे भी कवर कर देंगे। 2014 के बाद से ही भारत में नई कंपनियों के गठन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, ये आप समझ रहे हैं। 2014 से लेकर 2018 तक की अवधि के दौरान औपचारिक क्षेत्र में नई कंपनियों की संचयी वार्षिक वृद्धि 12.2% रही, जबकि वर्ष 2006 से 2012 तक की अवधि के दौरान यह प्रतिशत दर 3.8% थी। यानी कि अपनी सरकार की एक तरह से आप कहिए कि बताने के लिए कि हमारी सरकार ने एक काम किया है, तो आप समझ सकते हैं 12.2% बहुत होता है। और 2006 से 2014 तक यूपीए सरकार रही कांग्रेस की, तो उसमें ये रहा है, ठीक है। इससे आप लोग मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा मालूम चल जाता है कि कौन सरकार कितना रही पानी में। और थोड़ा देखिए ये सरकार की तरफ से बताए जाते हैं, अब सरकार तो आप देखते हैं कि अनुमान लगा लेती है कि ये होगा ये होगा, ये अलग बात है। वर्ष 2018 में लगभग 1.24 लाख नई कंपनियों का गठन हुआ, जो वर्ष 2014 में गठित लगभग 70,000 नई कंपनियों की तुलना में तकरीबन 80% अधिक है, ठीक है। भारत की जीडीपी वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में 4.8% रही, जिसका कारण कमजोर वैश्विक विनिर्माण व्यापार और मांग है, जबकि 2018-19 की द्वितीय छमाही में 6.2% रही थी। और याद रखिए अभी जो कोरोना महामारी की और लॉकडाउन की जो मार पड़ी हुई है अर्थव्यवस्था पर, इसमें कई रेटिंग एजेंसियां अब आपकी 1 से 1.5%, बहुत से बहुत 2-2.5% बता रही हैं। तो उन जो जिसने भी बताया है उनके बारे में आंकड़े याद रखिए, अगर आपसे बजट में पूछता है तो आपको यही आंकड़े देना है, ठीक है। भारत की भुगतान संतुलन की बात करें, बीओपी की स्थिति में सुधार हुआ है। याद रखिए 2019 में विदेशी मुद्रा भंडार 412.9 बिलियन डॉलर था, जो सितंबर 2019 के अंत में बढ़कर 433.7 बिलियन डॉलर हो गया, और यह 10 जनवरी 2020 तक 461.2 बिलियन डॉलर हो गया, तो काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। चालू खाता खाता घाटे यानी कि सीएडी की बात करें, तो 2018-19 में जीडीपी के 2.1% से घटकर 2019-20 की पहली छमाही में 1.5% रह गए हैं, ठीक है। द्विपक्षीय व्यापार की बात करें कि संदर्भ में केवल दो ही देश यूएसए और यूएई ऐसे रहे जिनका भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2014-15 से लेकर 2018-19 तक सकारात्मक यानी कि धनात्मक रहा है, जबकि सऊदी के दौरान चीन, सऊदी अरब, इराक, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार नकारात्मक ऋणात्मक रहा है, ठीक है। भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारी 2019-20 की अप्रैल नवंबर की बात करें, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और यूएई भी कहते हैं से, सऊदी अरब और हांगकांग है। ये आपके व्यापारिक साझेदार यानी कि व्यापार होता है इनके बीच सबसे ज्यादा, पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात टॉप 5 है, ठीक है, सऊदी अरब और हांगकांग। इसी अवधि में शीर्ष निर्यात देशों की बात करें, तो मदेन पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, कीमती अधकीमती पत्थर, औषधियों के नुस्खे, स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातुएं, तो इसमें टॉप पर याद रखना है हम लोगों ने क्या बेचा है, निर्यात क्या किया, पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरे पर आप मोती, ठीक है, यही पूछ लेगा, पहले नंबर का पूछ लेता है। 2019-20 के अप्रैल नवंबर में सबसे बड़े निर्यात गंतव्य की बात करें, तो अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन और हांगकांग रहे। 2019 अप्रैल नवंबर में शीर्ष आयात मदों की बात करें, तो कच्चा पेट्रोलियम, आप लोग भी जानते होंगे कि हम लोग सबसे ज्यादा पेट्रोलियम खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम अपना खर्च चला सकें एक तरह से। बेचने की अगर बात आए तो याद रखनी है पेट्रोलियम उत्पाद ही है। और अगर आपसे खरीदने की बात की जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा क्या खरीदा था, कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा तेल, उसे बदल के हम लोग बेचते रहते हैं। दूसरे नंबर पर आप स्वर्ण, तीसरे नंबर पर पेट्रोलियम उत्पाद, फिर कोयला, कोक, बिकेट्स, ठीक है। भारत का सर्वाधिक आयात चीन से हुआ है, उसके बाद अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब। आप जानते हैं अमेरिका, चीन से हम लोग बहुत
काफी हद तक हम लोग निर्भर हैं चीन पर, और व्यापार घाटा भी हमारा बहुत है चीन से, समझ गए। वर्ष 2018-19 के दौरान देश में 109.2 मैट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ है, जबकि अक्टूबर 2019 में वर्तमान वित्तीय वर्ष में तक 64.3 मैट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ है। वर्ष 2017-18 के लिए जीवीए परिवहन क्षेत्र की भागीदारी लगभग 4.77% रही है, जिसमें सड़क परिवहन की हिस्सेदारी सर्वाधिक 3.06% है। उसके बाद रेलवे 0.72%, हवाई यातायात 0.15% और जल परिवहन 0.0% हिस्सेदारी रही है। भारत विश्व में नागर विमानन का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है। किसका? नागर विमानन का। प्रथम स्थान यूएसए और दूसरे स्थान चीन, और तीसरे नंबर पर कौन है? हमारा प्यारा भारत। भारतीय व्यापारी की मात्रा की दृष्टि से लगभग 95% तथा मूल्य की दृष्टि से लगभग 68% भाग नौ परिवहन द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए, भारत की स्टार्टअप अवस्था प्रगति कर रही है। 24 यूनिकॉर्न के साथ यह विश्व में तीसरे सबसे बड़ी व्यवस्था बन गई है। हालांकि बड़े बाजार की बात करें, चीन 206 और अमेरिका 203 की तुलना में काफी कम है, हमारी कम है, ठीक है। चीन आप समझ सकते हैं 206 है पहले नंबर पर, अमेरिका 203 दूसरे, हम 24 हैं केवल, आप समझ रहे हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर हैं। विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यातों में भारत का अंश विगत दशक में लगातार बढ़ते हुए 2018 में 3.5% पर पहुंच गया है, जो कि विश्व में वस्तुओं के निर्यात 1.7% के हिस्से से दोगुना है, ठीक है। चीन के बाद भारत में ही दूसरा सबसे बड़ा उभरता ग्रीन बॉन्ड बाजार है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर भारत। 2018 में भारत स्टेट बैंक ने 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्टिफाइड क्लाइमेट बॉन्ड के साथ बाजार में प्रवेश किया था। इनसे क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं, आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन से रहे? चीन। आप समझिए, 18-19 में हम लोगों ने 13.7% यानी कि आयात किया है चीन से। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 6.9% है हिस्सेदारी, संयुक्त अरब अमीरात 5.8%, सऊदी अरब 5.5%, इराक 4.4%। तो पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर संयुक्त अरब अमीरात, चौथे पर सऊदी अरब, फिर ईरान। निर्यात की अगर दृष्टि से पूछे यानी कि बेचने की दृष्टि से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका कितनी हिस्सेदारी है? 15.9%, संयुक्त अरब अमीरात 9.0%, चीन तीसरे नंबर पर है। और खरीदने में आप चीन, आयात में कितना है? पहले नंबर पर चीन की हिस्सेदारी है 5.1%, हांगकॉन्ग 3.9%, सिंगापुर 3.5%। और आयात में की दृष्टि से पहले नंबर पर चीन और निर्यात की दृष्टि से अमेरिका, ठीक। विश्व निर्यात में शीर्ष भारतीय हिस्सेदारी वस्तुओं की बात करें तो 2017 के निर्यात के प्रतिशत हिस्सा है चावल सबसे ज्यादा 29.4%, मोती बहुमूल्य और बहुमूल्य रतन 17.9%, मसाले 17.0% और चाय और मेट 8.8%। तो पहले नंबर पर चावल है, ठीक है। और वैसे भी मसाले तो आप जानते हैं कि प्राचीन काल से, मध्यकालीन भारत से ही आप लोग देखिए शुरू हो जाता है, और अंग्रेज इसी को देखकर तो आए थे व्यापार करने के लिए, पर यही वो बस के रह गए। कपड़े का वर्ष 2017-18 में विनिर्माण 18% और जीडीपी में 2% योगदान रहा है। तो विनिर्माण कितना? 18%, लेकिन जीडीपी में इसका मात्र 2% योगदान रहा है। 2018-19 में भारत के कुल निर्यात में कपड़े और वस्तुओं की भागीदारी कितनी रही? 12%। कपड़ा उद्योग कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो 4.5 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देता है। समृद्ध क्षेत्र में 6 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। तो आप समझिए, आप देखते हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति विश्व उत्पादन वृद्धि पर। तो 2017 में 3.8%, 2018 में 3.6% और 2019 में प्राकलित 2.9%। स्थिर आधार कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन जीवीए वृद्धि दर यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट 2017-18 में प्रारंभिक संशोधन अनुमान 6.9, अनुमानित 6.6 और 2019-20 में 4.9%, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, शीर्ष 3 राज्य रहे हैं, इसमें गोवा सबसे ज्यादा कितना है? 4,22,149 रुपए, समझ रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा गोवा में, फिर सिक्किम
यहाँ 3,17,134 रुपये। हरियाणा की बात करें तो ये रहा है आपका कितना, 2,03,340 रुपये। ठीक है, इस साल में मतलब आप सोचिए कि साल में जैसे आपकी इनकम कितनी हुई, इसी की बात करें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनकी स्थिति बहुत बुरी रहती है। ठीक है, गोवा में सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग होते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी भी तो देख सकते हैं आप लोग। दिल्ली की बात करें अगर हम लोग, दिल्ली की भी पूछ सकता है, तो 3,28,985 रुपये प्रति व्यक्ति आ रही है दिल्ली की। ठीक है, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े वर्ष 2017-18 तक ही उपलब्ध हैं। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों में सभी राज्यों की तुलना में संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस में पूछने की संभावना रहती है, तो इन्हें भी याद रख सकते हैं अगर यूपी पीसीएस की तैयारी करें आप लोग। तो 2017, माफ करिए, 16-17 में 8.2%, और 17-18 में 8.9%, 18-19 में 10.6%। स्थिर कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर की बात करें तो 2017-18 में ये 7.2%, अंतरिम अनुमान 2018-19 में 6.9%, और ये आप देखेंगे 19-20 में 5%। आगे है आपका राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत में है, इसे जरूर याद रख लीजिए। 2017-18 में 3.5% रहा, 2018-19 में 3.4, और 2019-20 में ये आपका 3.3। ए पी ए का मतलब है प्रोविजनल एक्चुरेट लेस, और इसमें बी का मतलब बजट एस्टीमेट। ठीक है, सकल घरेलू बचत की बात करें तो जीडीपी प्रतिशत के रूप में ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेविंग्स, तो 2017-18 में 16-17 में 30.3%, 2018-19 में 30.5% सर्वाधिक घरेलू क्षेत्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारत आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019 में भारत अमेरिकी डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। याद रखिए जीडीपी के मामले में बात कर रहा हूं, और अमेरिकी डॉलर में आप देखते हैं कि इसकी तुलना की जाती है। क्रय शक्ति के मामले में बात करें तो समानता की समायोजन की यानी कि परचेजिंग पावर पेरिटी के बारे में, अंतरराष्ट्रीय डॉलर के में भारत की जीडीपी विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो अगर आपके जीडीपी में पूछे तो आपको याद रखना है कि जो भारत अमेरिकी डॉलर में विश्व में पूछे अगर, तो इसमें 5वें नंबर पर है। अगर आपसे क्रय शक्ति के मामले में पूछता है तो भारत तीसरे नंबर पर, कितना, तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो ये आपकी आर्थिक समीक्षा होगी। आगे हम लोग एक सेपरेट क्लास ही छोटी ही रहेगी, उत्तर प्रदेश बजट के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कई लोग क्या कहते हैं कि वो यूपी के नहीं होते हैं और यूपी के बजट से उन्हें मतलब भी नहीं रहता है, तो काहे को उनको बीच में घसीटा जाए, तो उनके लिए अलग से ही रहने दीजिए इसे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 को देखेंगे, सब कुछ इसी में खत्म कर देंगे उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में, आर्थिक समीक्षा के बारे में, जो आपके क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी भी रहेंगे, पूछे जा सकते हैं।